मोदी जी ने सही कहा है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप है। तने पढ़िया है घोषणा पत्र? हाँ, मतलब ऊ के करा है। अरे जिनके खुद के नेता चौथी पास हो उन्हें पढ़ने लिखने की आनी बननी चाहिए। अरे न्यू बता, अग्निवीर योजना बंद करके फौज की पक्की भर्ती शुरू करना मुस्लिम लीग की छाप है। किसान ना MSP की गारंटी देना, युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देना, महिलाओं को नौकरियों में 50% आरक्षण देना, हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपया देना, देश की न्यायपालिका, जांच एजेंसियां और मीडिया ने काम करने की आजादी देना, यह मुस्लिम लीग की छाप है। वो छोड़ो, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि शुरू से मुस्लिम लीग और कांग्रेस की सेटिंग रही है? मुस्लिम लीग के कदमों पर चल के ही तो कांग्रेस इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहती है। ओ बिना ब्याया खसम की छोड़ियो युलाद, कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज करया है, मोदी तक कहीं ज्यादा सीट जीत के कांग्रेस ने सरकारें बनाई हैं, मोदी तक कहीं ज्यादा लोकप्रिय कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए हैं। बता, इतने साल में कांग्रेस ने भारत मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? अरे अगर कांग्रेस ने मुस्लिम राष्ट्र बनाना होता तो कांग्रेस ने देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना क्यों नहीं बनन दिया? उसने पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों बनाया? अगर देश का पहला प्रधानमंत्री जिन्ना बनता तो मान के चलो कि आज तक हर प्रधानमंत्री मुस्लिम होता। अगर कांग्रेस मुस्लिम लीग के कदमा पे चल रही थी तो उसने बार बार पाकिस्तान के लिए युद्ध क्यों करे? उसने बार बार पाकिस्तान क्यों हराया? अरे एक सर्जिकल स्ट्राइक करके थारा नाम का तो मोदी पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, और जिन्ना पाकिस्तान के 3-3 युद्धों में घुटने टिकवाए, अरे जिन्ना पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वह मुस्लिम लीग के समर्थक हो गए। वाह मोदी के मरमुंडे। रे कांग्रेस ने तो उस टाइम भी पाकिस्तान के लिए युद्ध लड़के कश्मीर की हजारों किलोमीटर जमीन वापिस ली थी, जिस टाइम भारत द्वारा खाने के दाने भी नहीं थे। मोदी ने कहो कि नेहरू का नाखून जितनी भी मत करके दिखा, पाकिस्तान और चीन छोड़ किसी भी देश के लिए युद्ध लड़के 1 इंच भी जमीन लेके दिखा, फिर मेरा पटागा कि नेहरू का वंशज कौन है और जिन्ना का यार कौन है? वही तो मोदी जी देश को बता रहे हैं कि जिन्ना के यार कौन है। हाँ तो बताओ सारा देश ने कि थारे सबसे बड़े पूर्वज, थारे पूजनीय नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्ना के यार हैं। अरे इतिहास उठा के पढ़ ले थारा सावरकर और उसकी हिंदू महासभा का, पता चल लगा कि जिस टाइम कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, उस टाइम थारी हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग गठबंधन करके देश में सरकार चला रहे थे, और थारे पूजनीय नेता मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री बने बैठे थे, थारे पूजनीय संगठन मुस्लिम लीग के गले मिलकर देश का स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध करने लग रहे थे। वो इसलिए क्योंकि हमारे नेता सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पता था कि अंग्रेज गांधीवादी तरीके से भारत नहीं छोड़ेंगे। हाँ अंग्रेजों ने तो सावरकर के माफीनामे पटका पार छोड़ दिया था। अरे अगर गांधी का रास्ता पसंद नहीं था तो सुभाष चंद्र बोस का साथ दे देते, जिन्ना की गोदी में बैठने की क्या जरूरत थी? ठाकुर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी पढ़ ले, बोस ने खुद जिन्ना और सावरकर को अंग्रेजों का एजेंट कहा था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बताया था। बोस ने आजाद हिंद फौज बनाए के भी कांग्रेस के हरेक आंदोलन का पूरा पूरा समर्थन किया था, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने खुलकर विरोध किया था। अरे झूठ है ये सब, सावरकर मूवी में तो ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। वाह बेटे, आज पता चल्या कलयुग किसने कहा करे। अरे जो लोग मूवी ने इतिहास
मोदी ने हरिश्चंद्र, प्रधानमंत्री ने भगवान, कंगना ने हिंदू सेनी, सुधीर चौधरी ने पत्रकार, संविधान ने दुश्मन, तानाशाही ने वरदान, महंगाई ने विकास, बेरोजगारी ने खुशहाली, अत्याचार ने प्रसाद और गुलामी ने आशीर्वाद समझे हैं। वे लोग मिलकर हमारा देश की किस्मत का फैसला करेंगे। ए भगवान, दिए इन्हें कुछ सद्बुद्धि।